हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने जीटी सैन एंड्रियास एंड्रॉयड का जो लैग है वो किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा कि जीटी सैन एंड्रियास में एंड्रॉयड में जो लोग खेलते हैं, जो लोग फ़ोन में खेलते हैं, उनका काफ़ी लैग होता है गेम, है ना। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है और लैग नहीं होने वाला है। जिनके फ़ोन में अगर 1 GB की भी रैम है ना, और जिनके फ़ोन में अगर 2 GB की रैम भी होती है, तो भी यार वो जो लोग हैं अपने फ़ोन में सैन एंड्रियास का जो लैग है वो बिल्कुल कम कर देंगे। और अगर कोई मोड डाल रहा है या गेम क्रैश हो रहा है या फिर गेम लैग हो रहा है मोड डालने के बाद, तो वो भी चीज़ सॉल्व हो जाएगी जीटी सैन एंड्रियास के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। सो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ वीडियो में पूरा बने रहना है एंड तक। एंड मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीटी सैन एंड्रियास का लैग है वो बिल्कुल ही फिनिश कर सकते हो, बिल्कुल ही। सो देखो, फर्स्ट स्टेप, एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप, लेट्स गो। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने एंड्रॉयड के अंदर, डाटा के अंदर, और वहाँ पे आपको जाना है com.rockstargames.gta, और आपको ये वाली फाइल मिलेगी। तो आपको अपना लैग फिक्स करना है या फिर आपको अपना क्रैश फिक्स करना है अगर आप कोई भी मोड इंस्टॉल करते हो, और फिर अगर आपका गेम जो है क्रैश कर रहा है। सो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको ये फाइल्स दिखेगी सारी। देखो जो भी आपको स्क्रिप्ट फाइल दिख रही है ना, ये देखो कितनी सारी स्क्रिप्ट फाइल्स है जो कि मैंने अपने गेम के अंदर ऐड कर रखी है। ये देखो इतनी सारी है, मैं नीचे करता जाता हूँ, देखो ठेठ तक देखो कितनी सारी है, कितनी सारी स्क्रिप्ट फाइल्स जो है अपने फोल्डर में रखी हुई है। और इन्हीं फाइल्स की वजह से हमारा गेम या तो लैग करता है या फिर क्रैश करता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो जो यूजलेस स्क्रिप्ट से उनको डिलीट कर देना है। जैसे कि आप देखोगे तो इधर व्हीकल स्पॉनर देखोगे तो दो दो तरीके के व्हीकल स्पॉनर के मेन्यू डले हुए हैं, ठीक है। एक तो CSI है और एक FXT है, तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं। तो यार मेरे को तो व्हीकल स्पॉनर तो चाहिए होता है सभी को, लेकिन दोनों में से मेरे को बेसिकली एक ही चाहिए होगा, तो मैं दोनों में से एक ही लूँगा और FXT जो है मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, या फिर FXT और एक CSI, ये दो डिलीट कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये दो फाइलें रह जाएगी ओनली। तो दो फाइल से ये रहेगा कि सीन की ये सिनारियो होगा कि अपन एक्सेस कर सकते हैं एक फाइल को इजीली, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो अगर आप ये डिलीट कर दोगे तो लाइक जो जो मेरा कहने का मतलब ये है, मेनली जो चीज़ें काम की नहीं है वो डिलीट कर दो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये है गो चेक FXT, ये किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर देता है। एंड फिर ये आता है गैंग वॉर्स तो फिर भी काम का है, और गेम सेव लाइक GTA 5 ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, फुल सेंट्रल प्रेस ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, फोर्स फील्ड भी किसी काम का नहीं आता, FPS CS पता नहीं क्या है, ई रेड द बार भाई ये तो कौन यूज़ में लेता है, ड्रॉपर वेपन भी कोई यूज़ में नहीं लेता, और लाइक इतने सारी जो देख रहे हो ना, इस सारी चीज़ें कौन वो ये भी किसी काम की नहीं है। क्लॉक क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं, हम टाइम वैसे टेम्पो के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। कार रिपेयर काम का है, कार कंट्रोल भी काम का है। एंड कॉलिंग बैकअप्स हमको इतने नहीं चाहिए, बैकअप हम ओनली एक रखेंगे, देखो कॉल स्वेट फोर्स ये रखेंगे, बाय एलियन ये इसको भी डिलीट कर देंगे। बॉडी गार्ड के देखोगे तो बॉडी गार्ड के दो दो स्क्रिप्ट है यहाँ पे, बॉडी गार्ड .FXT और बॉडी गार्ड V1 CSI, तो ये V1 वाले एक्स्ट्रा इससे जो डिलीट कर लेता हूँ। एंड फिर ये है बंदा है ना हेलीकॉप्टर, तो इससे भी डिलीट कर देता हूँ। एनिमेशन एंड्रॉयड इससे भी कोई ज़रूरत नहीं है, और एयर सपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देखो ये फाइल्स होती है जिनकी लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दूंगा। देखो ये हैवी गेंग नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब देखो अब ऑलमोस्ट मुझे ये जो स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एंड ये है पीस मोड, ये तो चाहिए। प्लेयर इंजर्ड का भी मुझे कोई काम नहीं है, प्लेयर चेंजर का भी मुझे कोई काम नहीं है, प्रोटेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है।
तो देखो मैंने इतनी सारी जो स्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी हुई है, देख रहे हो ना कितनी सारी स्क्रिप्ट है। और मैं जैसे इनको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट करने के बाद देखोगे तो मैंने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट डिलीट कर दी है। अब मेरे पास में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो स्क्रिप्ट है ना, जो मैंने बचा के रखी है, वो ही है सिर्फ। अब बेसिकली क्या करना है कि आपको पता होगा कि भाई अब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है मैंने वही रखी है जो यूज़लेस है, जो यूज़लेस है उसको तो मैं डिलीट कर दी, जो यूज़फुल है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको अपने फोल्डर में देख लेना है कि भाई ऐसी कोई ऐसी स्क्रिप्ट फाइल तो नहीं है जो मेरे किसी काम के ना हो, तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका गेम भी एकदम अच्छे से चलेगा और आपका जो गेम का जो क्रैश होता है वो भी फिक्स हो जाएगा। लाइक मैं अगर आपको कोई मोड देता हूँ उसमें ही ज़्यादा स्क्रिप्ट आ जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को डिलीट करके अपना गेम का लैग फिक्स कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये आता है हमारा स्टेप 1। लेट्स गो टू द स्टेप 2। सो गाइस स्टेप 2 में अगर आप देखोगे तो आपका लाइक ये गेम ओपन होता है एंड गेम के अंदर हमको सेटिंग्स करनी है, और वो किस तरीके से करनी है देखो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी शेडो बाहर दिख रही है एंड लाइक ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो मैप पे क्लिक करो। मैप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाने के बाद आप जाओ डिस्प्ले सेटअप में, वहाँ पे जाने के बाद देखोगे तो मैंने जो रेजोल्यूशन है ये देखोगे, रेजोल्यूशन जो है इसको मैंने पूरा 100 कर रखा है, इसलिए ये मेरा गेम जो है लैग कर रहा है। तो आपको क्या करना है मैं फर्स्ट से बताता हूँ, विजुअल इफेक्ट्स को आपको बिल्कुल ही लो कर देना है, ठीक है, अगर आपको एकदम लो डिवाइस है, ठीक है, इसको कम ही करो। मैं तो सही बता रहा हूँ यार, अगर 3 GB का डिवाइस भी हो ना तो भी इसको लो ही करो, अगर गेम अच्छा चलाना है आपको तो, ठीक है, 2 GB 1 GB वाले तो ये करो ही करो, ठीक है। फिर आता है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन भाई इसको जितना कम कर सकते हो ना उतना कर दो। अब जिनके फ़ोन में GT सैन एंड्रियास भाई इतना ज़्यादा लैग करता है ना कि खेला भी नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में इस रेजोल्यूशन को पूरा ज़ीरो कर दो, पूरा ज़ीरो। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो गेम होगा देखो इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा बेकार दिखेगा, लाइक क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, बट गेम जो है आपका एकदम एकदम सुपर स्मूथ चलने वाला है, बिल्कुल सुपर स्मूथ। लैग के नाम पे एक चीज़ नहीं होने वाली है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये, और बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ इससे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर जो लोग इससे कम ज़्यादा नहीं करना चाहते तो वो भी देख लो इसको, एटलीस्ट देखो मेरे डिवाइस की ये जो डिवाइस है जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें 3 GB की रैम है। अब 3 GB के रैम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो रेजोल्यूशन रखूँगा यहाँ पे वो रखूँगा 80 के अराउंड रखूँगा, ठीक है, 80 के 82 85 के अराउंड रखता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो देखो 82-85 के अराउंड मैंने इसको रख दिया, 86 हो गया, चलो। फिर आता है ड्रॉ डिस्टेंस। अब ड्रॉ डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको जो आपके जो डिस्टेंस में जो चीज़ें होती है, लाइक आपके डिस्टेंस में अब जैसे कि आप देखो सामने एक बिल्डिंग है तो वो हमारा ड्रॉ डिस्टेंस होता है। आप देखो ये इस बिल्डिंग के ऊपर देखो ये चीज़ हमको विजिबल नहीं हो रही अच्छे से क्योंकि हमने ड्रॉ डिस्टेंस को पूरा कम कर दिया है। अब वैसे ही मैं ड्रॉ डिस्टेंस को पूरा ज़्यादा कर देता हूँ तो अगर आप देखोगे तो लाइक हमको जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छे से स्पॉन होगी। तो इससे ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, जैसे मैं आपको अच्छे से एग्जांपल बताऊंगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना जो दूर से दिखती है वो आपको नहीं दिखेगी अगर आप इसको एकदम कम कर दोगे तो, और अगर एकदम आप इसको बढ़ा दोगे तो आपको दूर दूर की बिल्डिंग भी विजिबल अच्छे से होगी, ठीक है। तो वो जो है इस काम के लिए वर्क में आता है गाइस आपका, ठीक है, ड्रॉ डिस्टेंस। तो ड्रॉ डिस्टेंस को एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग मेरे डिवाइस में 3 GB रैम है तो ये भी वैसे भी यूजलेस है तो मैं इसको 65 भी रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखना। शेडोज आता है गाइस, शेडोज, ठीक है। नेक्स्ट शेडोज में क्या करना है कि इससे पूरा ही या तो ऑफ कर दो या फिर क्लासिक कर दो, लो एंड डिवाइस अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस, दैट्स इट। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे डिवाइस यार इतना कैपेबल नहीं होता कि शेडोज़ को हैंडल कर सके, एंड शेडोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका गेम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। प्लस नेक्स्ट आता है कार रिफ्लेक्शन। कार रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि आपकी जो कार की जो रिफ्लेक्शन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, सो इससे ऑफ ही रखिए क्योंकि हमारा लो एंड डिवाइस इसके लिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हाई एंड डिवाइस इसके लिए आ जाता है फिर, सो इससे भी बिल्कुल ही ऑफ रखिए। अब देखो ये मेरी सेटिंग्स है, इसे आप कॉपी कर सकते हो। ब्राइटनेस आप तेज कर सकते हो, ब्राइटनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रोल होता क्योंकि ब्राइटनेस तो फ़ोन की भी ब्राइटनेस होती है, उसे भी आप तेज कर ही देते हो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे, एंड दैट्स इट, ये बेस्ट सेटिंग्स है। और अब हमारा GT सैन एंड्रियास देखोगे तो बाइक कितनी अच्छे से रन कर रहा है,
बिल्कुल भी यहाँ पे लैग जो है वो देखने नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी एकदम गेम स्मूथ चल रहा है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और साथ में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो जीटी सैन एंड्रियास है अपना, वो इस स्टेप से 100% फिक्स कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे मे भी हो सकता है आपका गेम क्रैश भी ना होगा इस, ठीक है। ये हो गया स्टेप टू जो कि बहुत काम का था। एंड फिर आता है स्टेप थ्री, लेट्स गो टू दी स्टेप थ्री। सो गाइस स्टेप थ्री में आता है अपने पास में ये देखो स्क्रिप्ट जिसका नाम है 60 FPS और फिर है सेकेंड 60 FPS v2.csa गाइस। ओके सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जी टी सैन एंड्रियास के एंड्रॉयड में जा कर के डाटा में जा कर के और जो फोल्डर है कॉम डॉट रॉक स्टार गेम्स और GTSA वाला, उस फोल्डर के अंदर ये दो फाइल को पेस्ट कर देना है, कॉपी करके एंड देन पेस्ट कर दो। अब इन दो फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ पे जाके एंड आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे फाइल। डाउनलोड करोगे तो नो पासवर्ड, ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं होगा एंड आपको ओनली एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को कॉपी करके अपने एंड्रॉयड और डाटा के अंदर जाके पेस्ट कर देना और आपके जो गेम के अंदर 60 FPS की फाइल है वो आ जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको गेम चला के कुछ नहीं करना है, आपको खाली गेम चला करके और इन्जॉय कर लेना है। देन बाद में आपको जो गेम होगा ना, लाइक आपको ओनली गेम ओपन करना है एंड आपका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलेगा, एकदम 60 FPS और ये आपके डिवाइस में लोड भी नहीं डालेगा एंड आपका जो गेम होगा वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये जो फाइल थी वो स्पेशली लैग की थी, ठीक है, आपको जो गेम का जो लैग होगा वो बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा और उल्टा जो आपका गेम होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, मतलब जो आपका गेम पहले लैग हो रहा था वहाँ पे आपका जो गेम होगा वो स्मूथ हो जाएगा। और 60 FPS बहुत मैटर करता है, मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ एंड इस बार मैं वापस से बता रहा हूँ ताकि आपको आप अवेयर हो सबके सब एंड लाइक आप फाइल को डाउनलोड करो और आपका गेम बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो जाए, बिना किसी दिक्कत के, और गेम आपका कभी भी इन फ्यूचर भी लैग ना करे। और हाँ, इस फाइल को जब भी आप कोई भी मोड डालते हो तो एक बार चेक कर लिया करो कि ये जो दो फाइल है 60 FPS की, ये आपके गेम के फोल्डर में है कि नहीं, यानी कि आपने मोड इंस्टॉल किया और अगर आप उसके अंदर ये दो फाइल्स नहीं होती है तो आप मैन्युअली खुद से वो दो फाइल डाल दीजिएगा, ताकि क्या होता है कि आपका गेम एकदम स्मूथ चल है, क्योंकि मैं जो मोड देता हूँ उसके अंदर तो ऑलरेडी यार ये 60 FPS की फाइल होती ही है ना, तो उसमें आपका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है गाइस, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि है स्टेप फोर। सो लेट्स गो। सो गाइस स्टेप फोर आता है और जो कि है डिलीट GTA SA डाटा फोल्डर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे डिलीट करने के बाद में लाइक आपको जो भी मोड इंस्टॉल होगा, आपके जो भी क्लोजचिट्स होगी वो सब डिलीट हो जाएगी, लेकिन लेकिन ये सबसे एंड चीज़ आती है। अगर आपका गेम लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है और उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं पता कि भाई मैं अब क्या करूँ, मैं गेम नहीं खेल पा रहा, तो उस सिचुएशन में आप ये जो GTA सैन एंड्रियास का फोल्डर होगा वो डिलीट कर देना। और हाँ, अगर आपका लाइट वर्जन है ना तो डिलीट मत करना, क्यों भाई, अगर लाइट वर्जन अगर आपने डिलीट कर दिया ना तो यार आपका गेम चलेगा नहीं, फिर बाद में फिर मुझे बोलोगे भाई गेम चल नहीं रहा है। सो दैट्स इट, आपको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है फोल्डर अगर आपका ओरिजिनल वर्जन है तो। लाइट वर्जन है तो मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वरना मुझे बाद में बोलोगे कि भाई तूने मेरा गेम डिलीट करवा दिया, ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ डाटा फाइल डिलीट कर देना। इससे मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो भी आपकी गेम के अंदर जो चिट्स होगी इंस्टॉल होगी वो सब डिलीट हो जाएगी और आपका गेम पूरा रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपका गेम बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है, आपका गेम लैग बिल्कुल नहीं होगा एंड बहुत अच्छे से गेम चल जाएगा। तो गाइस यही था आज के ये चार स्टेप एंड वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे गेम मेरा बहुत लैग होता है, आप मोड देते हो वो क्रैश होता है और लैग भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे फ़ोन की रैम 2 GB है और किसी किसी की 1 GB होती है। सो दैट्स इट, और कुछ नहीं यार, ये चीज़ें करके आप अपने GTA सैन एंड्रियास का जो लैग है वो बिल्कुल ही फिक्स कर सकते हो, लाइक बिल्कुल जीरो कर सकते हो, उल्टा अपने गेम को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने चारों ही स्टेप्स अपना लिए तो आपका गेम बिल्कुल लैग नहीं होने वाला है, एकदम अच्छे से आपका गेम चलने वाला है गाइस, ठीक है। सो अब चलिए वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं बता दूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर सब्सक्राइब करे हुए हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।